इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा जनपद से सामने आ रही है। जनपद में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह का तबादला कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शासन ने अहम फैसला लेते हुए सीएमओ का तबादला कर दिया है। सूत्रों की अगर माने तो स्थानीय लोगों की शिकायत और कोरोना के बढ़ते मामलों की गाज सीएमओ पर गिरी है। डॉक्टर संजीव यादव को मथुरा का नया सीएमओ बनाया गया है। तबादले के बाद डॉक्टर शेर सिंह अब संभालेंगे प्रधानाचार्य आरएफपीटीसी मुरादाबाद का चार्ज। संजीव यादव होंगे मथुरा के नए सीएमओ। बताया जा रहा है सीएमओ के खिलाफ काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद शासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। ताजा जानकारी के लिए चलेंगे संवाददाता के पास। दिनेश बताएं किस तरीके से सीएमओ के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। काफी समय से सीएमओ के खिलाफ लापरवाही के काफी मामले संज्ञान में आ रहे थे, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने कार्यवाही की मांग की गई थी, जिसे लेकर आज शासन के अधिकारियों ने सीएमओ का ट्रांसफर मुरादाबाद के लिए कर दिया है। क्या माना जाए, जनपद में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसी को लेकर के ये गाज गिरी है? जी बिल्कुल, मथुरा सीएमओ डॉक्टर शेर सिंह बिल्कुल लापरवाह साबित हो रहे थे। मथुरा में बढ़ते कोरोना मामलों का जिम्मेदार एक तरीके से मथुरा की जनता जो मान रही थी वो डॉक्टर शेर सिंह को मान रही थी। डॉक्टर शेर सिंह को इस समय मुरादाबाद भेज दिया गया है। वहीं मुरादाबाद से यहाँ सीएमओ का चार्ज संभालने के लिए डॉक्टर संजीव यादव आए हुए हैं। एक और मामला इसमें निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके से जिला अस्पताल में गर्भवती महिला के पेट में बच्चे की मौत हुई थी, क्या उसके बाद में इस तरीके का फैसला शासन द्वारा लिया गया है? जी बिल्कुल, गर्भ में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसे लेकर आला अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया था। वहीं युवाओं द्वारा भी एक मुहिम चलाई गई थी, जिसे लेकर कई बार शिकायत की गई थी शासन को। आज शासन ने उसी प्रकरण को लेकर गाज गिरा दी है। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।